हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक एंड बेक विद मंजू में। तो गाइज, आज हम ये बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, बट इसमें एक ट्विस्ट है और स्क्वायर में ये केक है, हाफ के जी का ये केक है गाइज, और इसको तीन लेयर में कट कर रहे हैं। तब तक मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका 1K कम्प्लीट हो गया है तो और केक चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख के केक बना सकते हो। और अगर आपका मोनेटाइजेशन हो गया है तो वो भी केक मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो गाइज, ये केक बोर्ड पे हमने इसकी एक लेयर रख दी है और इसको शुगर सिरप से हमने गीला किया है और इस पे हमने क्रीम अच्छे से अप्लाई कर दी है और अभी पैलेट नाइफ से इसको फैला दिया है। तो अभी हम डाल रहे हैं इस पे स्ट्रॉबेरी क्रस्ट, और गाइज स्पंज में भी मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला था। तो देखो ट्विस्ट क्या है इसमें, एक जो ट्विस्ट मैंने बोला है वो है चॉकलेट का ट्विस्ट। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे स्ट्रॉबेरी में चॉकलेट का ट्विस्ट चाहिए, तो वो हम इसमें दिया है। तो ऐसे ही सेकंड और थर्ड लेयर भी करेंगे। तो गाइज, आपको और भी पाइनएप्पल केक चाहिए या फिर स्ट्रॉबेरी केक और चाहिए या मैंगो केक चाहिए या जो भी केक चाहिए, तो बहुत टाइप के केक हैं और क्रीम कैसे व्हिप करते हैं वो वीडियो भी अपलोडेड है, आप उसको भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि क्रीम को कैसे हमने व्हिप करना है, कितनी उसमें थिकनेस होनी चाहिए, वो सब मैंने उसमें कंप्लीट बताया है। और रेसिपीज भी हैं गाइज, और बॉल केक और डोल केक और साड़ी और शर्ट केक, डोरेमोन केक, आपको बहुत वैरायटी के केक मिल जाएंगे गाइज। और भी हम अलग अलग वैरायटी लेके आ रहे हैं, तो आपको जो भी केक चाहिए आप चैनल पे जाओ और एक बार विजिट करो और अपने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे दे दो, और आपकी और जो भी रिक्वायरमेंट हो कि मैं वो भी कोशिश कर रही हूँ पूरी करने की अपनी तरफ से 100% देने की। तो गाइज, ये हमने इसमें अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दी है, तीनों लेयर को सेट कर दिया है, और इसमें हम ज़्यादा हमें बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डेकोरेशन हम करेंगे उसमें फाइनल फिनिशिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने क्रम कोट बहुत अच्छे से कर दिया है। तो ये ठंडा कर दिया था अभी, और ठंडा करने के बाद गाइज अभी ये स्टार्ट कर दिया है, बट ये कैमरे में दिखा नहीं क्योंकि कैमरा शायद थोड़ा पास में आ गया था, इस वजह से नहीं दिखा, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगी आपको, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊंगी नहीं। तो ये हमने स्काई ब्लू कलर की जो क्रीम है वो बनाई है, जो आइस वाला जेल फूड कलर होता है वो हमने इसमें डाला है, और उससे ये हमारी क्रीम बनके तैयार हो गई है। और ये नोजल है, बास्केट नोजल से हम कर रहे हैं, एंड देन इसके ऊपर हमने जस्ट डाला है येलो कलर की क्रीम है, और इसमें भी नोजल बास्केट वाली ही है। तो हम आज पूरा पैटर्न हम बास्केट वाली नोजल से ही करने वाले हैं। तो गाइज, ये हमने एक लाइन नीचे वो जो स्काई ब्लू हमारा कलर है उससे बना दी है, जो आइस ब्लू है, आप आइस ब्लू बोलो स्काई ब्लू बोलो जो भी आपको बोलना है, और इसके ऊपर हमने येलो वाली एक लाइन बना दी है। अब ऊपर की तरफ स्ट्रॉ करते करते डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखो, दो नीचे हमने लाइन बना दी है, अभी हम और पहले ब्लू का ही काम कर रहे हैं और बीच में हम गैप छोड़ रहे हैं, वो गैप छोड़ रहे हैं गाइज, वो दूसरे वाली क्रीम इसमें आएगी और डिज़ाइन बन के जो मस्त लगेगा वो आप देखना, क्योंकि कस्टमर को ये बहुत ही पसंद आया था और उन्होंने मुझे खुद बोला है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो आपने चॉकलेट का ट्विस्ट दिया है वो बहुत ही मज़ेदार लगा। गाइज देखो, मैंने तो कभी ऐसा मतलब पर्सनली तो मैंने खाया नहीं है, बट मेरे कस्टमर को ये बहुत पसंद आया, उनकी रिक्वायरमेंट भी थी और उनको सच में बहुत पसंद आया, तभी उन्होंने मुझे बोला है, नहीं तो अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता तो वो फिर कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये देखो, ये येलो और स्काई ब्लू या फिर आइस ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हमने एक लाइन उसकी एंड एक लाइन उसकी ऐसे ही ऊपर की तरफ करते जा रहे हैं, और ये सिंपल भी है और इसमें डिज़ाइन भी है क्योंकि ये ऑलरेडी नोजल में ही डिज़ाइन है। और बास्केट वाला पैटर्न भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो हार्ट शेप में बास्केट
बनाई थी साइड में, तो आप उसको भी देख लेना। नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं स्पेशल एक बास्केट वाला फुल पैटर्न राउंड में बना के भी आपके लिए ले आऊँगी। बिल्कुल बास्केट का लुक देगा। और ये देखो, ये साइड साइड हम मतलब थोड़ा तिरछी वाली लाइनें हम कर रहे हैं येलो वाली क्रीम से। अभी ऊपर का पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया है गाइज, और ऐसे ही हम चारों तरफ एक एक ही लाइन करेंगे। एंड देन इसके बाद हम जो हमारी आइस ब्लू क्रीम है उसके उससे बनाने वाले हैं पैटर्न। और इसमें एक नोजल का और यूज करेंगे हम, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगी कौन सी वाली नोजल का यूज करेंगे गाइज। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी काम की लगती हैं, अगर अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और खूब भर भर के प्यार दिया करो गाइज। अच्छा लगता है, नया नया कुछ लेके आने का मन भी करता है। और ये देखो, ये हमने बना दिए हैं उसी बास्केट नोजल से ही, आइस ब्लू क्रीम से रोज बना दिए हैं। और अभी ये है हमारी मोदक वाली नोजल, और इससे हम सिर्फ टैप टैप कर रहे हैं, जैसे देखो रख रहे हैं उठा रहे हैं, रख रहे हैं उठा रहे हैं। और क्योंकि पूरे अगर अंदर भी हमने ट्विस्ट दिया है चॉकलेट का, तो हम यहाँ पे भी हमारा चॉकलेट का ट्विस्ट देना बनता है, और उससे केक एकदम मस्त लगेगा देखने में भी, उसका लुक एकदम ही अलग आएगा गाइज। तो ये हमने चॉकलेट को क्रश कर लिया था, यानी कि जिससे आप आलू छीलते हो उससे ही काट लेना, और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ढक के रख देना, तो ये टाइट हो जाएगी। फिर आप उसको हाथ से हल्का सा रब करोगे ना, तो बहुत बारीक बारीक मतलब टुकड़ों में हो जाएगी, बहुत मतलब अच्छी लगेगी एकदम, जैसे नारियल का बुरादा होता है वैसा वैसा कुछ इसकी फीलिंग आएगी। तो ये देखो, ये हमने डाल दी है, और केक हमारा मोस्टली तैयार हो गया है गाइज। ये देखो, ये मैं आपको एक बार लुक दिखा देती हूँ, इसका फाइनल लुक है ये, और ये हैप्पी बर्थडे के लिए केक है। और ये थोड़ा सा मैं और इसमें पैटर्न बना दे रही हूँ, बस ये लास्ट ही है हमारा। और अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ बनाना है तो आप पक्का ट्राई करना, क्योंकि मैं तो सजेस्ट करूँगी ट्राई करने के लिए, क्योंकि कुछ अलग बनाने के लिए हमेशा ही हमें तैयार रहना चाहिए। और ये देखो, ये हमने एक तरफ येलो से किया है और एक तरफ से आइस ब्लू क्रीम से हमने ये फाइनल लुक दे दिया है केक में। तो कैसा लगा आपको केक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना गाइज, मिलते हैं नई रेसिपी लेके आते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।